अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह है। क्या एक मुसलमान को कट्टर होना चाहिए या एक मुसलमान को कट्टर होना सही या गलत? पहले हम समझें कि कट्टर का मतलब क्या होता है। कट्टर का मतलब यह होता है कि कोई भी मुसलमान दीन की बातों पर यानी धर्म की बातों पर सख्ती से अमल करता है, सख्ती से मानता है और उस पर अमल करता है, उसे ही कहते हैं कट्टर मुसलमान। कुरान में अल्लाह ताला बहुत कुछ कहता है। कुरान क्या है? कुरान जिसने सारी कायनात को बनाया, अल्लाह, ये उसका कलाम है। कुरान यानी अल्लाह की बात, ये अल्लाह की बात है। तो उस पर, उसकी बातों पर सख्ती से मानना उसको और उस पर अमल करना, ये सही या गलत? कुरान बहुत कुछ कहता है। अल्लाह फरमाता है कुरान में सूरह आल इमरान और आयत नंबर 61 में, फनजअ अल्लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, यानी झूठों पर अल्लाह की लानत, यानी जो झूठ बोलते हैं उस पर अल्लाह की लानत है, ये कुरान कहता है। तो जो कट्टर मुसलमान होगा वो इस आयत पर अमल करेगा और झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सच बोलेगा। तो आप बताइए, एक इंसान हमेशा सच बोल रहा है, ये अच्छा या खराब है? कट्टर होना सही या गलत है? अल्लाह फरमाता है सूरह बनी इसराइल में सूरह नंबर 17 और आयत नंबर 23 और 24 में कि अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, उनकी इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, और जब वे बुढ़ापे को पहुंचे तो उन्हें उफ तक ना कहो। यानी लोग कहते हैं ना, जब किसी चीज से उग जाते थे, उफ, ऐसे कहते हैं लोग ना, उफ उफ तक ना कहो, ये कुरान कहता है। बल्कि उनके लिए दुआ करो कि ऐ अल्लाह, जैसे ये बचपन में हमारी परवरिश की है, तू भी उनके हाल पर रहम फरमा, बेशक अल्लाह तू ही है रहम फरमाने वाला। तो जो कट्टर मुसलमान होगा इस आयत पर, इस आयत को सख्ती से मानेगा और इस पर अमल करेगा। अगर अमल करेगा तो माँ बाप की खिदमत करेगा। तो आप बताइए, एक इंसान अगर माँ बाप की खिदमत कर रहा है, उनकी इज्जत कर रहा है, तो ये सही या गलत? यानी कट्टर होना सही या गलत? अल्लाह बहुत कुछ फरमाता है कुरान में। अल्लाह फरमाता है सूरह नंबर 6 और आयत में 108 में, वला तसबुल्लजीन यदउन मिन दूनिल्लाह, यानी इसका मतलब है जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा करते हैं उनको बुरा भला मत कहना। ये कौन कहता है? अल्लाह का कलाम कुरान कहता है। यानी जो लोग गैर मुस्लिम हैं, जो लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज को पूजते हैं, चांद को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, मूर्ति को पूजते हैं, उनको बुरा भला मत कहना, ये कुरान कहता है। तो जो कट्टर मुसलमान होगा वो किसी भी गैर मुस्लिम को बुरा भला नहीं कहेगा, उसके धर्म की बातों को या उसके मानने वालों को बुरा भला नहीं कहेगा, तो आपस में फसाद नहीं होगा। तो आप बताइए, कट्टर होना सही या गलत? आप बताइए, अल्लाह बहुत कुछ कहता है कुरान में। अल्लाह फरमाता है सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 32 में, अन्नहु मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। इसका मतलब है, जो कोई इंसान किसी इंसान का कत्ल करेगा बगैर उसके कि वो किसी का कातिल ना हो और जमीन पर फसाद ना किया हो, तो गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल किया। जो कोई इंसान किसी इंसान की जान बचाएगा बगैर उसके कि वो किसी का कातिल ना हो और जमीन पर फसाद ना किया हो, तो गोया उसने सारी इंसानों को बचाया, सारे इंसानों को बचाया, यानी सारी इंसानियत को बचाया। तो जो कट्टर मुसलमान होगा इस आयत पर अमल करेगा, नहीं किसी भी बेकसूर इंसान को कत्ल नहीं करेगा,
जी कुरान साफ साफ मना कर रहा है, अल्लाह साफ साफ मना कर रहा है कि किसी बेकसूर इंसान को जो इनोसेंट है, निर्दोष है, उसे कत्ल नहीं करना है। तो उस पर अमल करेगा अगर एक कट्टर मुसलमान होगा तो अमल करेगा, और किसी भी बेकसूर इंसान को कत्ल नहीं करेगा। तो आप बताइए कट्टर होना सही है या गलत है? आप बताइए कट्टर होना सही है या गलत है? और आपके दिल में यह सवाल होगा क्योंकि आप देखते होंगे टीवी वगैरह, देखते होंगे न्यूज वगैरह, देखते होंगे ये फलाना जिहादी ग्रुप है, ये आत्मघाती हमला किए, इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए हैं। सही बात है, आपको ये सवाल हो सकता है। देखिए मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से मुसलमान नहीं होता है, केवल टोपी लगा लेने से मुसलमान नहीं हो जाता है, बल्कि ईमान से मुसलमान होता है। ईमान के साथ उस पर अमल होना चाहिए, ईमान के साथ अगर अमल है वो मुसलमान है। दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं मगर चोरी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं मगर झूठ बोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं बहुत सा गलत काम करते हैं। तो मुसलमान ईमान से होता है। एक कट्टर मुसलमान होगा तो किसी भी बेकसूर इंसान को कत्ल नहीं करेगा। तो आप बताइए ये कट्टर मुसलमान होना सही या गलत? इस वीडियो के मुताबिक अगर आपको कोई भी गलत फहमी है या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको कुरान के हवाले से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।